घूम फिर सकते हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन सब ख़त्म और अब सब येलो जोन है। मेरे बैक साइड पर ही एक, हर शहर में इटली के हर कमूने में एक म्यूनिसिपल होती है जिसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल नादर ऑफिस, बैक साइड चेक परियोलस, ये होती है म्यूनिसिपियों की बिल्डिंग, जो मेन जो मसाइल होते हैं लोगों के, लोकल लोगों के, वो इस ऑफिस में लेकर जाते हैं। और तरचेंतो सिटी जहाँ पर अभी हम ये हैं, इसकी ख़ास बात यह है कि इसके लेफ़्ट साइड पर नीचे एक बहुत ही खूबसूरत रिवर है जहाँ पर ठंडा और शफाफ पानी है। यहाँ से नीचे ही अभी थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। और राइट साइड पर जो है वो दूसरी तरफ एक रास्ता जाता है, एक कैसल है ऊपर, बहुत ही ओल्ड। और तरचेंतो सिटी तकरीबन बन गया था 1126 में, 1126 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद जब इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी आगे, तो ये 1420 में वेनिस, रिपब्लिक ऑफ वेनिस का हिस्सा था। दिल्ली के किसी भी शहर में, किसी भी टाउन इलाके में आप जाएंगे, आपको कॉफ़ी और रेस्टोरेंट ये माहौल लाजमी मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर। जिस कैफ़े में हम मौजूद हैं, इस कैफ़े का नाम है उदीनेज़े कैफ़े। ये पूरी एक चेन है इस कैफ़े की, जो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ टाउन्स में मैंने देखी है। साथ में हमारे लेफ़्ट साइड पर भी दो कैफ़े हैं, और नीचे यहाँ से एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एक रिवर है, बहुत ठंडा और ख़ूबसूरत पानी है। उसका विलेज अब आपको अभी नीचे का चल के दिखाएँगे। और अभी तकरीबन 5 दिन हुए हैं, आप 5-6 दिन ही हुए हैं कि लॉकडाउन खुल गया। तकरीबन तमाम जगह खुशकिस्मती से हम जा सकते हैं। हमारे साथ जो एक दोस्त भी हमारे हैं, राजा। राजा कैसा लग रहा है अभी आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाओ ज़रा अपना। टूरिस्ट जगह है ये? हाँ वाजिद भाई, ये बहुत अच्छी जगह यार, टूरिस्ट के लिए बहुत खूबसूरत जगह यार। अभी तो आए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है इधर। ये है मेन सेंटर और मेन खूबसूरत रिवर तरचेंतो सिटी का। एक मिनट ज़रा यहाँ ठहर कर देखते हैं पानी कितना साफ शफाफ है, और बहुत ही ठंडा पानी है। स्लोवेनिया की पहाड़ियों से जो सारी बर्फ़ होती है वो घुल के यहाँ पर आ जाती है। अभी आगे आगे जाते हैं हम। घरों का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल बहुत ही पुराने और कदीम घर बने हुए यहाँ पर। ये लगता है अभी हम कभी दरियाए सवात के किनारे चलते हैं, चल रहे हों इस तरह। माशाल्लाह जी, खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत और कितनी ही मुफासत से ये दुनिया बनाई है, पूरी पूरी कायनात बनाई है, जिसमें से दुनिया एक छोटा सा हिस्सा है। अभी आवाज़ कम आ रही होगी मेरी आपको, क्योंकि आगे ये बिल्कुल एज है दरिया का, एज ऑफ द रिवर। नीचे जा सकते हैं यहाँ पे हम, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ इन पत्थरों तक जा सकते हैं। एक मिनट, रास्ता तो नहीं है कोई भी, ये सीधा रास्ता वहाँ मेन शहर की तरफ भी चला जाता है रोड पर। अभी चलते हैं जहाँ तक रास्ता जाएगा, जहाँ पर रास्ता ले जाएगा हम चले जाएंगे वहाँ। स्टॉप है यहाँ पर। शोर बहुत है, पानी का इसलिए ऊपर जाना है। आगे जाके आपको दिखाते हैं कि ऊपर से नज़ारे किस तरह के नज़र आते हैं। हेलो, दो बंदे जो हमारे साथ आए थे वो नीचे ही चले गए, और ऊपर पुल के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए यहाँ से कौन, thank you.
दर्जन दो। इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको अभी। चंतों का मेन चर्च और बहुत ही बड़ा तारीखी और कदीमी चर्च। मैं इसके ज़रा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मजीद क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी एक होली बुक रखी हुई है। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ, ये तूतला स्पाजिया, ये सारी लिखी हुई है इटालियन में। और इनके बिल्कुल फ्रंट एरिया जो है, जहाँ पर पोप जो जिस तरह हमारे मुस्लिम्स में इमाम होते हैं, तो इनके चर्च में होते हैं पॉप, वो यहाँ पर सबको जो है टीचिंग सिखाते हैं। और मेरे बिल्कुल नीचे ग्लास का बना हुआ है फ्लोर, इसका नीचे ग्लास का है और नीचे थोड़े थोड़े पत्थर रखे हैं। राइट साइड पर ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये कुछ बहुत ही एंशियंट और तारीखी कदीमी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, कुछ इनकी होली पेंटिंग्स हैं। और जो मेन जो पॉप होते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर इनको खुतबा देते हैं, या जो भी इनकी टीचिंग्स होती हैं होली टीचिंग्स। ये बिल्कुल मेन माइक है, मेन एंट्रेंस। और यहाँ पर भी इनकी होली बुक जिसको देख के पढ़ते हैं और बाकी तमाम लोग उनको फ्रंट पे बैठे हुए फॉलो करते हैं। ये तकरीबन जगह होगी 120-130 पीपल मैक्सिमम। ये स्ट्रक्चर है इनका, रोमन कैथोलिक